गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज कुमार, योर इंग्लिश टीचर. टुडे आई एम हियर टू कंटिन्यू चैप्टर द लिटिल बॉय. आई होप यू विल बी लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली. सो हियर आई स्टार्ट. जस्ट एज ही वॉज बिगनिंग ऑन द एग्स, दैट मीन्स ही स्टार्टेड ईटिंग एग्स, ही हर्ड अ हॉर्स वॉइस नियर हिम. आफ्टर सम टाइम ही हर्ड अ वेरी unpleasant, very harsh sound near him. Good morning, I am so pleased to meet a boy like you. So something was there and that was wishing this bully boy. Good morning, I am so pleased ki main bahut khush hoon to meet milkar a boy like you, tum jaise ladke se. Hari turned around, Hari पीछे की तरफ मुड़ा एंड स्टेयर्ड और घूरने लगा इन फ्राइट, डर की वजह से. ही वॉज एक्चुअली फ्राइटेंड आफ्टर सीइंग इट, उसे देखने के बाद. वट एवर डू यू थिंक ही सो, दैट मीन्स जो भी हम यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं, समथिंग दैट वी आर सीइंग, दैट वी आर लुकिंग इन टू द पिक्चर, it is actually a reality, right? What it was, वो क्या था? It was a crab. Hari saw a monster crab walking sideways out of the pool. So what did he see over there? इसने वहाँ पर क्या देखा? A monster crab. Monster means big in size. Size में काफ़ी बड़ा. क्रैब बेसिकली क्या होता है? केकड़ा होता है. तो उसने काफ़ी बड़ा केकड़ा वॉकिंग आते हुए देखा फ्रॉम द साइड वेज, बराबर के रास्ते से, आउट ऑफ द पूल, पूल से बाहर. हिज आइज वर ऑन द एंड्स ऑफ शॉर्ट, हिज आइज वर ऑन द एंड्स ऑफ शॉर्ट स्टॉक्स. वो जो केकड़ा था वो बिल्कुल छिपकर और धीरे धीरे चल रहा था. मीन्स स्लाइली, वेरी स्टील्थली ही वॉज कमिंग टूवर्ड्स हरी. ही लुक्ड मोस्ट क्वीर, मीन्स ही लुक्ड वेरी स्ट्रेंज. ही हेल्ड आउट हिज फ्रंट क्लॉ टू हरी. उसने अपना आगे का पंजा हरी की तरफ को निकाला. Hari put out his hand to shake the crab's claw. Hari ने भी अपना हाथ बाहर की तरफ निकाला उससे हाथ मिलाने के लिए. But to his surprise and anger, the crab opened his pincers and nipped his hand so hard that the little boy yelled. So जैसे ही Hari ने उसके पंजे से अपना हाथ मिलाया, so this particular crab opened his pincers. Pincers का मतलब नुकीली जो चीज़ें होती हैं. And nipped, उसको pinch किया, his hand so hard, बहुत बुरी तरह से, that the little boy yelled. वो छोटा बच्चा Hari रोने लगा, उसकी चीख निकल गई. He shrieked, oh here is my good cousin, said the crab pleasantly. And to Hari's horror, थोड़ी देर बाद, after some time, जो crab था उसने कहा, अरे मेरा तो cousin भी आ गया. Look, my cousin is there. Having seen it again, Hari was afraid very much. He saw a large sandy lobster crabbling heavily out of the pool. थोड़ी देर बाद उसने क्या देखा? After some time, what he see? A crabbling small creature coming out from the pool, right? तो उसने एक रेंगता हुआ छोटा सा जानवर coming out from the pool, पूल से बाहर आते हुए देखा. Before the little boy could stop him, the lobster took his hand. अब जो lobster बाहर आया उसने भी क्या किया? What did he do? Took out his hand, अपने हाथ को बाहर निकाला. In his great pincer like claws, अपने उसमें काफ़ी नुकीले पंजे थे वो. And pinched it so hard. और फिर से
उसने भी वही किया, मीन्स द सेम थिंग वॉज डन बाय लॉबस्टर एज वेल एज ऑलरेडी डन बाय क्रैब. तो उसने उसके जब हाथ को पकड़ा तो काफ़ी बहुत बुरी तरह से उसको पिंच किया. दैट हरी येल्ड, वो फिर से चीखने चिल्लाने लगा इन पेन. नाउ लेट्स कंटिन्यू. देन ही स्टेयर्ड एट द पूल इन सरप्राइज. थोड़ी देर बाद आफ्टर सम टाइम ही हैड अ लुक इन टू द पूल. फोर यहाँ पर फोर का मतलब बिकॉज क्योंकि आउट केम सैंडी कलर्ड श्रिम्प्स एंड प्रॉन्स मोर क्रैब्स एंड अनदर लार्ज लॉबस्टर एंड दे प्रिक्ड हरी टिल ही वॉज सून ब्लैक एंड ब्लू विद देयर पिंसिंग. थोड़ी देर बाद आफ्टर सम टाइम ही सो वेरी सरप्राइजिंग थिंग्स देयर अ वेरी स्मॉल क्रैवलिंग क्रिएचर्स कमिंग आउट फ्रॉम द पूल. एंड इट वॉज वट इट वॉज वो कौन कौन से क्रिएचर्स थे. नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू. इट वॉज श्रिम्प्स प्रॉन्स मोर क्रैब्स एनदर लार्ज लॉबस्टर. सो दीज आर स्मॉल क्रैवलिंग क्रिएचर्स लाइक सी क्रिएचर्स राइट. एंड वन बाय वन दे स्टार्टेड पिंचिंग एंड निपिंग हरी एंड कंसिक्वेंटली ही स्टार्टेड क्राइंग ही स्टार्टेड श्रीकिंग. डोंट यू लाइक इट, तुम्हें अच्छा नहीं लगा ये, सेड ऑल द क्रिएचर्स इन सरप्राइज. सभी क्रिएचर्स ने सरप्राइजिंगली बोला इस चीज़ को. वाई वी वर टोल्ड, क्यों ऐसा क्यों. वी वर टोल्ड, हमसे तो कहा गया था यू वुड लव टू सी अस, कि आपको तो हमसे मिलना बहुत अच्छा लगेगा. बिकॉज यू वर अ चैम्पियन ऑफ पिंचर एंड प्रिकर योर सेल्फ, कि तुम तो बहुत अच्छे तरीके से पिंच करते हो, बहुत अच्छे से प्रिक करते हो. कम कम जॉइन इन द फन, आओ हमारे साथ, लाइक लेट्स डू पिंचिंग एंड प्रिकिंग. नाउ लेट्स कंटिन्यू. हरी लीप्ड टू हिज फीट, वो अपने पैरों पर ही उछल पड़ा. क्राइंग लाउडली, जोर जोर से क्राई करने लगा, रोने लगा. हिज लंच रोल्ड इनटू द पूल, जो लंच था वो पूल में चला गया, बह गया उसमें. एंड व्हेन द क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स सो इट दे रैन टू इट एंड बिगेन टू फीस्ट ईगरली. अब जैसे ही उन्होंने मींस जैसे क्रिएचर्स ने वो खाना पूल में जाते हुए देखा, दे रीच आफ्टर इट, वो उसके पीछे पहुँचे एंड स्टार्टेड ईटिंग दैट, उसको खाने लगे. हरी सो दैट दे हैड फॉरगॉटन हिम फॉर अ टाइम. हरी को लगा शायद खाने की वजह से वो सब के सब उसे भूल गए हैं. एंड ही टर्नड एंड रैन फॉर हिज लाइफ, तो वो वहाँ से भागा अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए. टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक्स, आंसू उसके चेहरे से नीचे की तरफ आ रहे थे. The only did to me what I keep doing to the other children. उसको याद आने लगा, वो सोचने लगा. ही स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ दैट द थिंग इज रिपीटेड टू मी दैट आई वॉज डूइंग विद द अदर चिल्ड्रन. बट हाउ इट हर्ट, कितनी बुरी तरह से ये हर्ट करती है, कितनी बुरी तरह से ये पिंच करती है, प्रिक करती है. एंड हाउ, और किस तरीके से. आई हेटेड दोज क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स, कि मैंने मतलब जैसे उन लोगों ने मीन्स एज ऑल द क्रैब्स एंड सी क्रिएचर्स लाइक स्टार्टेड वन बाय वन डूइंग पिंचिंग एंड प्रिकिंग, सो इट रियली हर्ट मी एंड हाउ आई हेटेड ऑल द क्रिएचर्स. आई सपोज द अदर चिल्ड्रन हेट मी टू, मुझे लगता है कि बाकी के जो बच्चे हैं वो भी मुझे इसी तरीके से नफरत करते हैं. वेल आई जोली वेल शेल नॉट पिंच प्रिक एन एनी मोर. तो मैं आज ये डिसाइड करता हूँ, टुडे आई जस्ट स्वेयर दैट मीन्स दिस काइंड ऑफ हेल्थ थिंग आई एम नॉट गोइंग टू डू विद द रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, विद द अदर चिल्ड्रन. सो माई डियर स्टूडेंट्स, here the chapter ends. I hope you must have understood something that I have explained to you.
So here the chapter ends. Thank you very much.